क्या सोच रही? कुछ नहीं। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे नहीं बताऊंगी। अम्मी, क्या शादी के बाद सब बदल जाता है? दर्द की नौीयत भी, मतलब जिन रिश्तों के साथ आपने सारी उम्र गुजारी होती है, उनसे अपना दुख छुपाना पड़ता है। बेटा, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बंधने के बाद हर रिश्ता पसे पुश्ते चला जाता है। इसको निभाने के लिए हर कुर्बानी देना पड़ती है, और अगर मोहब्बत करने वाला साथी हो ना, फिर कोई मुश्किल मुश्किल नहीं लगती, खुशियां सांझी हो जाती हैं। जैसे खुशियां बांटी जाती हैं, दुख भी वैसे बराबर का हिस्सा होता है। और अगर हम सफर मोहब्बत करने वाला ना हो तो? फिर सब्र करना चाहिए। और ये सब्र लड़कियों को करना पड़ता है? नहीं, दोनों करते हैं, मगर औरत का सब्र घर को जन्नत बना देता है। अल्लाह ने औरत का खमीर बहुत मोहब्बत से बनाया है। हर कुर्बानी दे सकते हैं, खुद की भी। बिल्कुल, चलो ये जल्दी से समेटो और आ जाओ। बड़े बेमुरब्बत हो तुम, इतने दिन से तुमने मेरी कोई खबर ही नहीं ली। अब मैंने कॉल क्या कर दी, आहें भरने लगे। ए, कैसी बातें कर रही हो यार? मैं कितना तड़प रहा हूं तुम्हें देखने के लिए, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती हो। मैं बस बस रहने भी दो, सब मुंह देखे की बातें हैं। अगर तुम्हें मेरा जरा भी एहसास होता ना, तो तुम मेरी खबर लेते। पता भी है मैं तुम्हें कितना याद करती रही हूँ, और क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और एक तुम हो। अब हाँ हाँ, सारी खबरें हैं मुझे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। पता है क्या? अब्बा को हमारे बारे में पता चल गया है। हाँ, मैंने तो सुना था इश्क इंसान को बहुत बहादुर बना देती है, और एक तुम हो, अब्बा के कहने पे ही डर गए। मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन वो जो हमारी फिल्म है ना, बस मैं उसकी वजह से रुक गया हूँ। अब फिल्म भी तो जरूरी है, समझा करो ना यार। और यहाँ बैंकॉक में मैं कोई अय्याशी थोड़ी कर रहा हूँ, लोकेशन स्मार्ट करने आया हूँ मैं तो। बैंकॉक? तुम बैंकॉक कब गए? यही कोई 2 दिन हुए, इसीलिए तो कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं तुमसे। मुझे तो कुछ नहीं बताया तुमने। हाँ, वो मौका नहीं मिला, कुछ जल्दी में था। अच्छा, मुझसे बात करने का मौका नहीं मिला, और मैं जो यहाँ अपना सब कुछ लुटा कर बैठी है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें मौका नहीं मिला। सब मेरी जान, समझने की कोशिश करो ना, जैसे ही हालात ठीक होते मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। बस बस, तसल्ली से बहला रहे हो मुझे। मैं बहला नहीं रहा, मैं तुम्हें इस तरह से अपनी फीलिंग्स में तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे बताओ। तुम चुप क्यों हो गई हो? देखो तुम इस तरह से खामोश हो जाओगी ना, तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। अच्छा, तो अब मुस्कुरा के दिखाओ।